एक आदमी ए था, ठीक है, और इसने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में क्या किया, एडमिशन लिया लॉ करने के लिए, एलएलबी के लिए एडमिशन लिया। ये क्या है कि गवर्नमेंट जॉब में था, गवर्नमेंट जॉब में था, एडमिशन ले लिया। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आप क्लास आ रहोगे नहीं आओगे, कितने बजे से, तो आप पहले अपने सरकार के यहां से परमिशन लाओ, तब तो हम आपके एडमिशन को कंफर्म करेंगे। इसने क्या किया, परमिशन तो नहीं लाया, जॉब ही छोड़ दी और लॉ करने लग गया। जॉब इतनी बड़ी चीज नहीं है जितनी, देखो मैं आपको बताऊं, समस्या ये नहीं है, आपको ये विश्वास हो जाए कि मैं लॉ से बहुत कमा सकती हूँ, आपको ये विश्वास हो जाए कि लॉ में मैं किसी को अपना एक बार गुरु तो बनाऊं, इतना कमाना चाहते हो। इसी जयपुर में पर डे कितने रुपए सोचते होगे, 10 से 12 लाख पर डे, कितने लोग मिलकर, सिंगल वन पर्सन कमाते हैं, कई हैं, एक नहीं है, कई हैं, पर आप सोचो आप कमा पाओगे, यस कोई भी, लेकिन तुम चूंकि इस लेवल की पढ़ाई तो करो, आप चाहते हो कि कोट पहन लूं और मैं चला जाऊं, कल से मेरे को पैसे आना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं आएंगे, आप उस लेवल के तो बनो, उल्टा नहीं कर रहे भाई। मान लो 50,000 रुपये महीने की नौकरी करता हो, समझदार रहा होगा, उन्हें 50,000 रुपये रोज नहीं कमा लेंगे, सुप्रीम कोर्ट में 1 करोड़ रुपया पर डे कमाने वाले लोग हैं, कितना। बात इसकी है कि क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमें एलएलबी की डिग्री चाहिए, एलएलबी 3 ईयर, यानी क्यों, बोल सर बस कर लेते हैं, तो मैंने कहीं दूसरी जगह से कर लो, हमारे यहाँ से नहीं हो सकता। बोले आपके यहाँ से क्यों नहीं, अरे भाई हमारे पास तो सिर्फ ही 60 ही सीटें हैं। कितनी, 60। इन 60 सीटों पर हम तो उन लोगों को ही एडमिशन देते हैं जो लोग पढ़कर कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, हमारी फीस भी बहुत ज्यादा है। ये डिग्री तो आप 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए में कहीं से ले आओगे महीने साल की, और हम जानते हैं आप पढ़ने भी नहीं आओगे, और आप बस डिग्री को दूसरों को बेवकूफ बनाने या घर पर रखने के लिए ले रहे हैं, दूसरों को ये कहने के, देखो मैंने लॉ कर रखा है, रखा कर रखा है, लॉ लॉ का एल भी नहीं आता तेरे को, ऐसे नहीं, शानदार करो। लेकिन जो व्यक्ति जैसा आ रहा है ना, उसे समय देना पड़ेगा, कुछ ही क्षण के लिए आ रहा है, कुछ दर बस ठीक है, कुछ जल्दी कुछ हो जाए, जल्दी कुछ नहीं होगा, आप में दम हो तो ये सच है, हीरा बना के छोड़ू, आप सोच नहीं सकते। अब चूंकि मेरा काम, मैं एडवोकेसी नहीं करता, मेरा इसमें कोई वो ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं, मुझे इसमें आनंद आता है, इसलिए मैं यही करता हूं, मैं ये भी कर लेता, इसमें कमी नहीं रहती, बिल्कुल भी कमी नहीं रहती, बच्चों को मुझे अपने अपने इच्छा और मन की बात है, आनंद की बात है, मुझे इसमें आनंद आता है। लेकिन कोई करना चाहता है ना ये, तो मैं ये बता रहा हूं कि कर सकता है। ये नीली कुर्सियों पर कितने लोगों ने अपना भाग्य चेंज कर लिया, आप अपना भाग्य चेंज कर सकते हो, आपके हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, जैसे गुरुजी ने कह दिया है ना, वो काम अब करना है, कितना देर का करना है, एक एक दिन का, कोई एक दिन का ही काम करता है, कोई 10 दिन का नहीं, एक साथ करता है, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, एक दिन। मेरे दादाजी कहा करते थे, 1,000 दिन शानदार तरीके से कोई काम करो तो वो काम आपको शानदार स्थिति में पहुंचा देगा। ऐसा मेरे साथ हुआ, मैंने
साथ में अपना इंटरव्यू देगा कि 6 में भी दिया 7 में भी दिया इंटरव्यू दिया, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट शुरू किया 2008 में 21 जनवरी को इसको। अब स्थिति क्या हुई कि 8 में इसके लाले पड़ रहे थे, 9 में भी लाले पड़ रहे थे और 10 में मैं ये सोचने लगा कि आज तो भारी पड़ रहा है अब चलेगा नहीं। पर मेरे को अपने दादाजी की बात बार बार आती थी कि बोले 1000 दिन, तो मैंने कहा इतने दिन और रहेंगे। तभी 2010 में एडीजे की वैकेंसी भी आई, खूब सारे लोग आए और इसने अपने कदम पर चलना शुरू कर दिया। तुम अपने जीवन के लिए इतना टाइम तो दो, आप डिग्री लेके आए हो 3 साल की तो सोचते हो कि हम 3 साल दे आए, 3 साल में आपने कुछ नहीं दिया, व्यर्थ टाइम वेस्ट किया था। आए क्यों नहीं फर्स्ट ईयर से, कहीं ले रहे थे डिग्री, किसी भी NLU और किसी कहीं के भी बच्चों को फेल कर देंगे हम। लेकिन तुम मन तो हो इतना समय देकर और मुझे अपने को एक वाकई में हीरा बनाना है तो बना सकता हूँ, ठीक है। कम टू द पॉइंट, तो आप ध्यान रखो बड़ी चीज कर रहे हो आप, जॉब छोटी है, आप जिस जॉब को गए थे ना आपको लगता है वो जॉब लग जाए मैं समझ गया था इसीलिए आप कम टू द पॉइंट हम यहीं आ जाए। तो इन्हें अपना जॉब कर रहा था, इसने अपनी क्या किया, जॉब छोड़ दी, परमिशन जमा नहीं कराई, LLB फर्स्ट ईयर इसकी हो गई, सेकंड ईयर भी हो गई। जैसे ही LLB थर्ड ईयर में आया, कब आया, LLB थर्ड ईयर में आया, LLB थर्ड ईयर में आया तो ये कम गया तो फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का रिजल्ट आ चुका, थर्ड ईयर में आया तो लॉ में क्या है कि अटेंडेंस का सिस्टम कर रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि आपको इतने परसेंट अटेंडेंस आपकी होनी ही चाहिए। तो इसका रिजल्ट निकलना था, एग्जाम सब दे चुका था, रिजल्ट निकलना था तो इसका रिजल्ट रोक दिया, और ये कहते हुए रोक दिया क्योंकि तुम्हारी अटेंडेंस पूरी नहीं थी इसलिए हम तुम्हारा रिजल्ट नहीं निकालेंगे, इसलिए तुम्हें लॉ करने का कोई अधिकार नहीं। ये हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने इनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाला, कि सर ये एक तो नियमों के मुताबिक जितना आना चाहिए वो उतने आए नहीं है, अटेंडेंस शॉर्ट है कि अच्छा। दूसरी इन्होंने अपनी फिर और भी खंगाला, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब में थे तो उस समय इन्होंने परमिशन नहीं जमा कराई तो इसलिए इलीगल है। तो कोर्ट ने पूछा कि ये बात ठीक है तो आपने इसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर पेपर ही क्यों देने दिए, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कैसे आ गया जब इसने परमिशन नहीं जमा कराई। तो उसने परमिशन की तो कहा कि सर परमिशन की बात यह है कि इन्होंने कहा था परमिशन जमा करा, परमिशन नहीं मिली, मैंने गवर्नमेंट की जॉब पहले छोड़ दी तो परमिशन की बात ही खत्म हो गई, तर्क सही था। अटेंडेंस शॉर्ट की बात है तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं थी, यार शॉर्ट थी तो ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में क्यों नहीं जाने दी, रोका इन्होंने। यूनिवर्सिटी से कोर्ट ने कहा इनका रिजल्ट निकालो। अब अपनी बात से नहीं मुकर सकते, ये गलती पहले ही है, क्या है ये, पहले ही आपको ये काम करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था, एक बार ऐसा और हुआ, एक एग्जांपल और ले लेता हूं राजस्थान का। एक आदमी था ए, इसने क्या किया कि पहले PMT होती थी, है ना, प्री मेडिकल टेस्ट होता था एग्जामिनेशन, PMT का एग्जाम दिया, जयपुर का केस है, PMT का एग्जाम दिया तो इसने क्या किया, था तो ये जाट लेकिन इसने लिख दिया जाट, था तो ये जाट, जाट उसमें जनरल कैटेगरी में आते थे और ये SC में आते थे, इसने SC का लाभ उठा लिया, इसका PMT में सिलेक्शन हो गया, SMS मेडिकल कॉलेज में
एडमिशन हो गया इसका। इसने क्या किया, फर्स्ट ईयर कर ली, सेकंड ईयर कर ली, थर्ड ईयर कर ली, फोर्थ ईयर कर ली, और फिफ्थ ईयर में फिफ्थ ईयर भी कर ली। अब एक दिन किसी दोस्त को बता दिया, अरे यार मेरा तो होता ही नहीं, मैंने तो एक ही काम किया, हुआ लगा दिया, इसलिए डॉक्टर बन गया मैं, नहीं तो मेरा तो होता ही नहीं। और बाद में इसने क्या किया, पीजी में एडमिशन ले लिया। यहां इसने जाटी लिखा, हुआ उठा दिया, तभी पता लग गया। कहा यार ये तो पहले ये था, अब ये कैसे हुआ। इसके डॉक्यूमेंट खंगाले गए तो उसमें ये पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया तो उनकी इसकी डिग्रियां रद्द कर दो। ये भी हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट ने पूछा कि जब इसने एडमिशन लिया तब आपने चेक नहीं किया था, बोले सर भूल हो गई, तो हो गई तो हो गई, अब आप इसका कुछ नहीं कर सकते, उसी बात पर बने रहो जो बात पहले ही, और डॉक्टर बन गया। बात को समझ में आई, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दो एग्जांपल मैंने आपको दिए कि जो बात आपने पहले थी उसी बात पर बने रहने को चेंज नहीं कर सकते आप, समझ में आई। इसी को बोलते हैं विबंध, मतलब आपकी बात के ऊपर प्रतिबंध। विबंध का मतलब क्या है, आपकी बात के ऊपर प्रतिबंध। अभी तो मैंने बेर एक्ट में से आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ उदाहरण दिए हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस हैं, केसेस आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, लॉ आपको अच्छे से आनी चाहिए।